और ये मॉडल जो है रेस्पिरेशन, जो हम सांस श्वसन प्रक्रिया जो करती है, रेस्पिरेशन जो हम करते हैं उस पर डिपेंड है। और ये मॉडल्स जो है इसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को रेस्पिरेशन बा आसानी से और बहुत ही सरल पद्धति से सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। कैसा पढ़ा सकते हैं कि देखो हमारा बॉडी है, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर हमारे जो लंग्स हैं, दो लंग्स है, और लंग्स क्या होता है कि हमारे बॉडी में ये नाक के माध्यम से नथने जो है हमारे माध्यम से ऑक्सीजन अंदर जाती है। अपने को ऐसा लगता है लेकिन ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती, होता कैसा है कि जो डायफ्रेगम है ये अपने आप में एक काम करता है कि जब नीचे की ओर जाता है ऐसा तो ऑक्सीजन अंदर की ओर जाती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ दिखे ना, ये देखो फुफ्फुस खुला हुआ। और जब डायफ्रेगम ऊपर की ओर जाता है ऐसा तो हमारे जिस्म से शरीर से ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर आती है। तो ये एक सिस्टम हमारा चलते रहता है। तो ये एक सिस्टम बच्चों को थोड़े से मॉडल से हम बहुत ही सरल पद्धति से पढ़ा सकते हैं। और इसमें क्या है मॉडल में, एक बिस्लरी की घंटे की बोतल है, एक पॉलीथीन बांध दिया, दो बलून है, एक वायर शेप ट्यूब ले लिया है हमने, और एक बॉली का एक बुन ले लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि ये जो नथने हैं हमको ये भी दिखाना है बच्चों को, पढ़ाना नथने, ये नथनों के माध्यम से जो ऑक्सीजन हमारे जिस्म में शरीर में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ये हमको उसको पूरा आउटलुक दिखाना पड़ेगा। इसलिए ये टोटल एक ह्यूमन बॉडी का हमने ये दिखाया, एक ढांचा दिखाया है, और ये इसके माध्यम से हम पूरी तरह से बच्चों को रेस्पिरेशन कैसा होता है, श्वसन प्रक्रिया कैसी होती है, निजाम तनफ्फुस कैसा होता है, ये बा आसानी से सरल माध्यम से पढ़ा सकते हैं। थैंक यू।